शुरुआत जो है वो कुछ मीलता चल रही होती है क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति होने से

कुछ बच्चों ने मुझे ये भी कहा है कि सर जो हमारी स्टेट बोर्ड की बुक है उसमें जो है वो थोड़ा सा अलग प्रकार से नर्वस सिस्टम को दे रखा है अलग अलग एनिमल का नर्वस सिस्टम भी उसमें दे रखा है तो क्या वो वैसा पढ़ना है तो मैं क्लियर कर दूं इस बार जो बेटा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम नीट की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं हम एम्स के लिए पढ़ रहे हैं हम जिपमर के लिए पढ़ रहे हैं और इन एग्ज़ाम में जो एकमात्र बुक जिसको स्टैंडर्ड माना जाता है वो है एन बुक इसलिए हमको एन के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को तैयार करना है और जो एन में दे रखा है वो हमको प्रायोरिटी के साथ पढ़ना है ठीक है बाकी लेफ्ट और राइट बहुत जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है ना इसलिए जो है एनसीआरटी ही हमारे लिए गीता है कुरान है गुरु ग्रंथ साहब है सब कुछ वही है हमारे लीड के वही बाइबल है तो इसलिए एनसीआरटी को हमें फॉलो करते हुए चलना है चलिए तो अभी हम क्या बात कर रहे थे बेटा पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के हमने कहा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है हमने कहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है याद है ना ठीक है तो हमने उसको समझने की कोशिश की थी तो आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे और समझेंगे हम कि हमारा न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं न्यूरॉन किस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करते हैं ठीक है चलिए तो अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं पिछली क्लास में मैंने देखा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होता है इसके अलावा जितनी भी सेंसरी नर्व है मोटर नर्व है जो नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर जो है बॉडी में जाती हैं और जो बॉडी से सूचनाओं को लेकर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक आती है वे सारे के सारे नर्व जो सेंसरी या मोटर नर्व में नर्व में बॉडी को सप्लाई करती है बॉडी से सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर आती है वो सेंसरी नर्व होती हैं एफरेंट नर्व बोलते हैं उनको और जो इंफॉर्मेशन लेकर बाहर जाती है वो इफरेंट नर्व कहलाती है मोटर नर्व होती है वे सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं ठीक है ना तो मैंने आपसे कहा था बेटा जो सेंस और ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक आए स्पाइनल कॉर्ड तक आए वो एफरेंट नर्व है इसको हम सेंसरी नर्व बोलते हैं और जो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से लेकर जो है वो इफेक्टर या मसल तक लेकर जाए उसको उसको हम इफरेंट नर्व बोलते हैं करेक्ट तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली एफरेंट न्यूरॉन है और जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या है वो इफरेंट न्यूरॉन है याद रखिएगा इस बात को ठीक है फिर मैंने आपसे कहा था कि जो पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमने आपसे कहा सेंसरी मोटर दो प्रकार की नर्व होती है फिर मैंने कहा था नर्वस सिस्टम जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है और ऑटोनॉमिक नर्वस स्टम इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होता है इसमें दो हिस्से होते हैं एक प्रमोट करने वाला एक्साइट करने वाला वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा होता है बेटा पैरासिंपैथेटिक पैरासिंपेटिकॉमिक नर्वस सिस्टम

तो मैंने क्या कहा था आपसे कि डेंड्रॉइड इंफॉर्मेशन को साइटोन तक, तक लेकर आते हैं और एक्सॉन इंफॉर्मेशन को साइटॉन से बाहर लेकर जाते हैं एक्सॉन दो प्रकार के हो सकते हैं नॉन माइलेटेड और माइलेटेड माइलिनेटेड एक्सॉन में क्या होता है जो स्वान सेल होती है वो उसमें माइलिन -शीत का फॉर्मेशन करती है और नॉन माइलेटेड न्यूरॉन में स्वान सेल माइलिन शीत का निर्माण नहीं करती है क्लियर और एक्सॉन के आखिर में एक्सॉन टर्मिनल होते हैं क्लियर ठीक है फिर मैंने कहा था पिछली क्लास में कि न्यूरॉन यूनिपोलर न्यूरॉन होता है बाईपोलर न्यूरॉन होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है अब आप मुझे बताएंगे कि तीनों कहाँ कहाँ हैं प्लीज टेल मी दी लोकेशन की कहाँ आपको ये देखने मिलते हैं ठीक है आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में आपको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहां देखने मिलेंगे ह्यूमन बॉडी में आपको बाईपोलर न्यूरॉन कहां देखने मिलेंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट में किस अवस्था में आपको यूनिपोलर न्यूरॉन देखने मिलते हैं ये आप आंसर करेंगे आपके आपको बताना है कि यूनिपोलर न्यूरॉन बाईपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन हमें कहां कहां देखने मिलते हैं और किस अवस्था में हमको ये देखने मिलते हैं ये आपका क्वेश्चन है आंसर कर, कर दीजिएगा कमेंट में ठीक है ना क्लियर ठीक फिर हमने देखा था कि जो नॉन माइल्टेड यानी पहले वाला न्यूरॉन क्या है फर्स्ट न्यूरॉन में क्या है माइलिन शीत नहीं है ये क्या है बेटा ये हो गया ये है नॉन माइलिनेटेड है ना ठीक है और ये क्या है बेटा ये है माइलिनेटेड के तो मैंने आपसे कहा था कि जो न्यूरॉन होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन तेजी से फ्लो करती है, जंप करते हुए, फ्लो करती है। और इसको साल्टेटरी तक और नोड ऑफ रैंड एक्शन रीजनरेट होता चला जाता, इसलिए इन्फॉर्मेशन आगे तेजी से बढ़ जाती है जबकि नॉन माइलेटेड न्यूरोन में क्या होता है इंफॉर्मेशन जो है बकायदा एक सीक्वेंस के थ्रू वो आगे बढ़ेगी वो ठीक है ना क्लियर ठीक है अब हमारा जो जो सेंस ऑर्गन है वे इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं देखिए जिससे मैंने आपसे कहा आप मुझे देख रहे हैं आप मुझे देख रहे हैं ठीक है तो आप क्या कर रहे हैं आपकी इस मोबाइल स्क्रीन पर या आपके टेलीविजन पर या डेस्कटॉप पर आप जब मुझे देख रहे हैं तो आपकी आई जो है वो उस जो डिवाइस है उस डिवाइस से उससे वो रोशनी को ले रही है और उसको आपके रेटिना उस पर उसको इमेज को क्रिएट कर रहा है और इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंच रही है है एक्चुअली में हमारा रेटिना या हमारी आंखें कुछ नहीं समझ पाती है वे खिड़की के समान है विंडो के समान है जो सिग्नल को रिसीव करती है और उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को देती है और ब्रेन जो होता है वो देख पा रहा है वो बता

और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इंपल्स है वो ब्रेन तक पहुंच रही है हमारे जो कान है है जो मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं क्योंकि आपका आप मेरा जो आवाज है वॉइस वो आपके एक्सटर्नल ईयर ईयर से जो है वो मिडिल तक गया

Olympus को जनरेट किया और वो ब्रेन तक गया ब्रेन ने कहा कि ये कुछ बोल रहा है और बोलने पर जो है ये से हो रहा है इसका मतलब ये है, कि ये ये है है साउंड का मतलब ये होता है। यदि मैं आपसे पे में बात मैं आप तो आप सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलोगे टिंग पिंग चिंग चांग चिंग लिंग पिंग. समझ में नहीं आया keegan एक्चुअली में क्यों क्योंकि आपने बचपन से वो साउंड फ्रिक्वेंसी सुनी ही नहीं आपने यदि आप चाइना में पैदा होते चाइना में आपका जानता आप चाइनीज होते तो आपको चाइना आसान लगती है चाइनीज आसान लगती है आपको हिंदी के समान लगती है आप सोचिए ना जब कभी आप मैं तो जो है वो सीएमसी बेल्लोर में पढ़ा हुआ तो सीएमसी वेल्लोर में वहां पे साउथ में आप वहां पे साउथ में, में जो लोग मिलते हैं वो अपना जो उनके केरल केर, केरली जो में बात करते हैं मलयालम में बात करते हैं तमिल में भी बात करते लौट के तो आपको समझ में नहीं आता है फिर थोड़े समय वहां रहने के बाद आप समझ जाते हैं कि ये इसके बोलने का मतलब ये है कि आप परसेप्ट कर लेते अच्छा इसका मतलब ये ठीक है तो हम क्या करते हैं लैंग्वेज कैन भी लर्न वो सीखी जा सकती है आपके लेकिन ब्रेन को उसके लिए ट्रेन करने में वक्त लगता है छोटा बच्चा देखा आपने कभी आप सिखाते हो उसको कुछ बोल नहीं आप उससे केवल बात करते हो खिलाते रहते हो और वो चीजें उसके दिमाग में प्रोसेस करता है इसका मतलब उससे आप बार बार बोलते हो बार बार छोटे बच्चे बार पिंटू पिंटू बेटा तो पिंटू समझ जाता है कि मेरा नाम पिंटू है मतलब मैं मतलब जब भी ये पिंटू बोलेगा मुझे पलट के देखना है कैसे मालूम चला कि हमारा नाम क्या है हमको बार बार उसी शब्द से पुकारा गया तो हमारा नाम पड़ गया पिंटू ठीक है ये नाम चिंटू भी हो सकता है ये नाम बंटी भी हो सकता है ये नाम सनी भी हो सकता है ठीक है ये नाम रामू भी हो सकता है सोनू भी हो सकता है है ना कुछ भी नाम हो सकता है तो मतलब यह है कि आपने बार बार उस अरे अब क्या होता है कोई बच कहीं जा भी रहा हूं मैं कहीं किस अपने ख्यालों में खवा कोई पीछे गीतेंद्र पलट के देखा पीछे क्यों क्योंकि मुझे मालूम है ये साउंड वेब मेरे लिए बनी है ठीक है तो लेकिन यदि भीड़ में आप कहीं खड़े हैं दस पच्चीस लोग खड़े हैं कोई बता ओ भाई साहब

ठीक है तो असल में मेमोरी लॉस हो गया कई बार ऐसा होता है तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो है वो हमारे आ, जो है वो ब्रेन का से तो ये क्या हो गया ये हो गया एक प्रकार से ये organ है ये सेंस ऑर्गन है ये ये क्या आपका जो है वो ये सेंस ऑर्गन है और ये रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग हिस्सा है ठीक है मतलब यह है कि ब्रेन के अंदर बकायदा इलेक्ट्रिकल इंपल्स का पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, है जाल माइक्रोचिप के, के समान है इसमें कई सारी इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक साथ प्रोसेस हो रही होती है और ब्रेन उनका इंटरप्रिटेशन कर रहा होता है दुनिया का सबसे तेज काम करने वाला कंप्यूटर है यह ठीक है क्योंकि कंप्यूटर ने आदमी को नहीं बनाया आदमी ने कंप्यूटर को बनाया हुआ है क्लियर ठीक है तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो पूरा नेटवर्क है ब्रेन है हम सोचिए इमेजिन कीजिए कि हम ब्रेन के अंदर झांक कर देख रहे हैं हमके, हम इन ब्रेन के अंदर जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखाई दे रहा और इस समय जब आप मुझे सुन रहे हैं इस समय जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके दिमागी मालूम क्या हो रहा है आपके ब्रेन में क्या हो रहा है आपके ब्रेन में ये हो रहा है आप जब मुझे सुन रहे हैं ना तो एवरी साउंड वेव के जो भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं देखिए आप तो ये, ये आपके ब्रेन में, तो में ऐसा हो रहा है इस समय बिल्कुल exactly इस समय। ये आपका ब्रेन है और यह मेरा भी ब्रेन है ठीक है ना ये हो रहा है आपके ब्रेन के अंदर ठीक exactly एग्जैक्टली इस समय पर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है ब्लैंक हो गया गायब <laughs> हो गया क्या अरे बंद पड़ गया दिमाग क्या नहीं बंद नहीं पड़ा ये एनिमेशन जो है वो स्टॉप हो गए तो समझ गया बात को आपके चलिए आप हाँ ठीक है तो ऐसे ब्लैंक दिमाग को ब्लैंक मत कर लेना समझ गए तो अब आप, आपके लिए एक होमवर्क के फटाफट मुझे जो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा मार्किंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है मार्किंग करके आपको बताना है एटके और ये इंपॉर्टेंट है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्लियर बेटा है ना चलिए अब आते हैं हम बाकायदा एनसीईआरटी में कि अब हमें क्या पढ़ना है अब हमें देखना है बेटा जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स की तंत्रिका तंत्र में नर्वस सिस्टम में नर्व दे क्यों देखो अभी तक हम इतना समझ चुके हैं हम इतना समझ चुके हैं कि नर्वस सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है सोमेट्रिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ठीक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है सिंपथेटिक का मतलब क्या होता है, मतलब है? पैरासिम्पथेटिक का मतलब क्या होता है वो समझ गए लेकिन जब तक नर्व की फिजियोलॉजी समझ में नहीं आएगी कि नर्व काम कैसे करती है तब तक मजा कैसे आएगा तब तक, तक हम समझ नहीं पाएंगे ना हमें पहले वो सर्किट समझना पड़ेगा काम कैसे करता है तो अभी हम बात कर रहे हैं एंड दिस इज दी वन ऑफ दी वेरी वेरी इंपोर्टेंट पार्ट अभी हम बात कर रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व तंत्रिका तंत्र में जो, जो संचारमेशन है जो, जो वो कैसे आगे बढ़ती है ठीक है देखिये नंबर अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए आपका जो न्यूरोन है आपका जो न्यूरोन है, है उस न्यूरोन में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीजीआरटी में ठीक है थीके? अब आप बोलोगे सर जितनी बातें आप हमको बता रहे हो न्यूरॉन के बारे में हमको तो ये बातें कपोल कल्पना लग रही है भैया आप में से कई लोग होते हैं हैं ये बोलते सर, जब मैं इवोल्यूशन पढ़ाता हूं ना तो मैं कहता हूं कि बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे आते हैं सर ये तो खिलाफ है सर ये तो नहीं लिखा है धर्म ग्रंथों में लिखा है सर ऐसा कुरान में लिखा है ऐसा सर जो है वो रामायण में लिखा है ऐसा सर जो है वो वेदों में लिखा है ऐसा सर वो बाइबिल में लिखा है के तो मैं कहता हूं बेटा ये जो हमारा हमारा जो जो बिलीफ है गॉड पर वो एक पर्सनल चीज़ है वो हमारे लिए लेकिन जब हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में हम एविडेंस के आधार पर बात करते हैं प्रमाण के आधार पर बात करते हैं तो उसको कन्फ्यूज नहीं करना अटके उसे कन्फ्यूज नहीं करना अटके मुझसे यदि आप मुझसे बोलेंगे मेरा बिलीफ क्या है तो हो सकता है आपको मेरा बिलीफ पसंद ना आए आपको आपको मेरा बिलीफ अच्छा ना लगे हो सकता है कि आप असहमत हो ये भी हो सकता है कि मुझसे कोई बोलेगा कि आपके सामने आपके सामने जो है वो एक भव्य मंदिर है उस मंदिर में जाके आप पूजा करना पसंद करेंगे या आपके सामने एक बड़ा सा पेड़ है जिस पेड़ पर जो है वो हजारों पक्षी रहते हैं बड़ा सा उसकी फैला हुआ है कई लोग उसकी छाया में हैं कई लोग जो है वो उसके फलों को खाते हैं तो मेरे से कोई पूछेगा कि आप किसके साथ जो है किसकी आराधना करना पसंद करेंगे किसकी पूजा अर्चना करना पसंद करेंगे तो मैं बोलूंगा कि मैं उस पेड़ को पूजना पसंद करूंगा क्योंकि मुझे प्रकृति पर पूरा भरोसा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि जो यहां पर है वो जो बड़ा सा वृक्ष है जिसकी छाया में जो है कई लोग रहते हैं जिसके ऊपर

किसको मानना चाहिए उसको मानना चाहिए जिस जिस जो जो हमारे लिए जो है वो एक प्रकार से हमारे जीवन के में ऊर्जा को संचालित कर रहा हो सूर्य को मानना चाहिए ठीक धरती को मानना चाहिए पेड़ पौधों को मानना चाहिए पशु पक्षियों को मानना चाहिए एक दूसरे को मानना चाहिए अपने आप को मानना चाहिए क्योंकि यही सच है जो दिखाई दे रहा है जो सच सामने दिखाई दे रहा है उसको ना मानकर हम कुछ और मानते हैं ना तो सच से हम मुंह फेर रहे होते मैं बिल्कुल किसी के यकीन पे किसी के बिलीफ पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ मैं अपने मन की बात आपसे कहता हूं तो मैं इतना कहता हूँ बेटा कि जीवन में एक बात है कि कि किसी दुखियारे के दुख दुख को दूर करना किसी जरूरतमंद की मदद करना ये ईश्वरी कार्यों के समान है ये खुदा के कार्यों के समान है ये गॉड के कार्यों के समान है बजाय मंदिर में जाके घंटी बजाने के बजाय सिर्फ जो है वो एक एक जो है वो दुआ मांगने से बेहतर है कि हम कुछ कर दिखाएं किसी के लिए कुछ करें हम ये ज्यादा बेहतर है ठीक है चलिए तो अब आप बोलेंगे सर ये इतनी लंबी चौड़ी बात बीच में कहां से आ गई है एक्चुअली में क्या है कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे जो न्यूरो है उनके पास में कुछ वैसी कुछ बड़ी भारी चीजें हैं उनके पास में कुछ कुछ जो ऐसा मान सकते हैं कि प्रकृति ने उनके अंदर जो है कुछ ऐसी चीजें डेवलप की है जिससे कि वो नर्व इंपल्स को जनरेट करके आगे प्रवाहित कर सकते हैं उनके जैसे मैं आपसे कहता हूं कि हमारे जो न्यूरॉन्स उनमें कुछ कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है जैसे कि हम कहते हैं आपसे लेकिन बात कहां शुरू हुई थी मान ले, मान लिया मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज, लेकिन आप बोलोगे सर बात तो यहां शुरू हुई थी ना आपने बात को पलट दिया बात यहां शुरू हुई थी कि कैसे मान लें कि न्यूरॉन में ऐसा होता है क्या आपने देखा कोई मशीन है मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि हमारे पास जितने भी न्यूरॉन के बारे में ब्रेन के बारे में प्रमाण है जांचे परखे गए प्रमाण है कि आज हम नर्व कंडक्शन स्टडी करने में सक्षम है हम किसी पेशेंट को इसको प्रॉब्लम होती है हमें लगता है कि ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है तो हम उसका नर्व कंडक्शन स्टडी करवा लेते हैं और ऐसे डॉक्टर जो नर्वस सिस्टम को देखते हैं उन्हें हम न्यूरो फिजिशियन कहते हैं और इसके लिए हम कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए हम कैथोड रे ऑक्सिलो स्कोप का हम इस्तेमाल करते हैं सीआरओ बोलते हैं इस मशीन को हम के कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप का इस्तेमाल तो इसका मतलब बगैर प्रमाण के बात नहीं कह रहा हूं जो बातें कह रहा हूं उसका बकायदा प्रमाण है मेरे पास ठीक है वट इज यूनिक इन नर्वस नर्व सेल के नर्व सेल में ऐसा क्या है जो दूसरी कोशिकाओं में नहीं है नर्व सेल में ऐसा क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट कर सकती है सूचनाओं को फ्लो कर सकती है और पूरे के पूरे सिस्टम को ये इंटीग्रेट करके कर सकती है ठीक है शन और इंटीगेशन कर सकती है क्योंकि नर्व सेल में कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है नोट कर लेना बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं है तो यूनिक प्रॉपर्टी ना पहली सबसे यूनिक प्रॉपर्टी इसमें होती है ये होती है एक्साइटेबिलिटी क्या होती है एक्साइटेबिलिटी एक्साइटेबिलिटी ठीक है मतलब यह है कि हमारी तंत्रिका कोशिकाओं में कुछ प्रॉपर्टी देखें हमारी नर्व सेल में पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी कि हमारी तंत्रिका कोशिकाएं जो है वो एक्साइट हो सकती है यदि इनको यदि इनको उचित अमाउंट का ध्यान से भर के इनको एक मिनिमल इनको एक मिनिमम स्ट्रेंथ का इनको एक मिनिमम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस मिले के ये स्टिमुलस का मतलब ये किसी भी फॉर्म में स्टिमुलस होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी के चाहे वो हीट के फॉर्म में हो चाहे लाइट के फॉर्म में हो चाहे टच के फॉर्म में हो के कोई भी चीज जो उस जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम में चेंज करती है स्टिमुलस कहते हैं हम के तो मैंने कहा टच किया स्टिमुलस है ठीक है फूका स्टिमुलस है सुना स्टिमुलस है देखा स्टिमुलस है तो हमने क्या कहा कि एक मिनिमम स्ट्रेंथ स्टिमुलस है एक नर्व इंपल्स में यदि आपको एक्साइट करना है तो आपको मिनिमम एक मिनिमम स्ट्रेंथ का आपको स्टिमुलस चाहिए पड़ेगा आपको ठीक है ना और वो भी आपका एक मिनिमम निश्चित रूप से एक मिनिमम ड्यूरेशन तक होना चाहिए वो मिनिमम ठीक है मतलब एक निश्चित ड्यूरेशन एक निश्चित स्ट्रेंथ के जब उसका स्टिमुलस होगा ना तभी नर्व उसको ग्रहण करेगी जैसे मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल ई कैन फील मैंने फूका तो मैं इस, इस हवा के प्रवाह को मैं अपने हाथ में महसूस कर रहा हूं आप भी करके देखिए तो आप देखेंगे कि हाँ आपको लग रहा है लेकिन नॉर्मली हवा जो जो नॉर्मली जो हमारे आसपास जो एयर पार्टिकल मूव कर रहे हैं क्या वो महसूस कर रहा हूं मैं नहीं यदि वो महसूस कर लूंगा तो ऐसा तो तो लगेगा घबरा गया घबरा गया घूरके ये एक, एक मोलिकुल आया यहां पर टकरा गया नहीं, वो तो महसूस नहीं कर रहा मैं मैं जो देख सकता हूं मैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम को देख सकता हूं उसको देख रहा हूं मैं लेकिन मैं अल्ट्रा वायलट को नहीं देख रहा हूं मैं इन्फर रेडिएशन को नहीं देख सकता हूं यदि मैं देख रहा होता तो यह पूरा का पूरा सीन गड़बड़ा गया होता है ना मतलब ये है कि हमारे हमारे जो जो ऑर्गन है हमारे हमारे नर्व्स हैं वो एक मिनिमम स्टिमुलस को मिनिमम स्ट्रेंथ मिनिमम स्ट्रेंथ के स्टिमुलस को रिसीव करते हैं एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए स्टेबल मिलना चाहिए तभी वो नर्व एक्साइट होती है तो एक्साइटेबिलिटी का पावर होता है दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि दूसरा इंपॉर्टेंट जो है जो प्रॉपर्टी नर्व का है, वो है कंडक्टिविटी वो है कंडक्टिविटी ठीक है बेटा कंडक्टिविटी का मतलब क्या है मतलब है कि हमारी तंत्रिकाओं में इंपल्स को कंडक्ट करने की क्षमता होती है एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक बार जनरेट हुआ एक बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो वो इसको आगे तक कैरी करती है के और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये इतना फास्ट एंड जो स्पीड है वो कितना होता है वो जो स्पीड है एंड नर्व कंडक्शन का जो स्पीड वो होता है 60 से लेके 120 मीटर पर सेकंड सोचिए आप आपकी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में जो नर्व का कंडक्शन का स्पीड है वो है 60 से लेके 120 मीटर पर सेकेंड मतलब आपकी बोरी बॉडी में जो तकरीबन डेढ़ मीटर की बॉडी है ऊपर से नीचे तक माइक्रोसेकेंड्स में इंफॉर्मेशन नीचे पहुंच जाती है ना? क्लियर अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि हमारी बॉडी में एक नर्व है हम उसे बोलते हैं अल्नर नर्व क्या हमारे अल्ना है अल्ना है ना ठीक है रेडियस नर्व है ठीक है अल्नर नर्व है वैज्ञानिकों ने इसका स्टडी किया पता लगाया कि अल्नर नर्व की जो स्पीड है वो है सिक्सटी सेवन मीटर पर सेकेंड ठीक है ऐसे कई अलग 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 नर्व नर्व की स्पीड होती है है तो, नर्व तो नर्व थोड़ी वेरी करती लेकिन ऑन एन एवरेज देखोगे तो 60 से लेके 120 मीटर पर सेकेंड के आसपास नर्व का रेट होता है कंडक्शन का ठीक है ये भी हो गया फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी यूनिक है इसकी ऑल और नन लॉ ऑल और नन लॉ अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज हुई यहां पे एक्चुअली देखो हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसकी सिंपल सी बात है कि आपने उसको स्टिमुलस दिया एक मिनिमम मिनिमम स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का का यदि आपने स्टिमुलस दिया तो नर्व एक्साइट हो जाएगी और इंपल्स को आगे कंडक्ट कर देगी लेकिन यदि आपका स्टिमुलस उससे अधिक पावरफुल है जो आपने मिनिमम स्टिमुलस दिया उससे अधिक पावरफुल स्टिमुलस आप दे रहे हैं तो उससे ऐसा नहीं होगा उससे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि नर्व इंपल्स की स्पीड बढ़ जाएगी

ऐसा कभी नहीं होता है? कि नर्व इंपल्स जनरेट हुआ थोड़ी देर तक आगे गया और बोला कमजोर था मैं तो रुक गया हूं आधे में जाके लौट गया मैं तुमने कहा था हाथ ऊपर उठाओ मैं आधे तक पहुंचा फिर मैंने कहा नहीं भैया कमजोर इंपल्स है ऐसा नहीं होता है मतलब नर्वस सिस्टम में तंत्रिकाओं में या तो काम होगा या नहीं होगा कंफ्यूजन कुछ भी नहीं लाइफ में ठीक है तो ऑल और नन लॉ तीसरा ठीक है एंड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता वो है वो होती है रिफ्रैक्टरी पीरियड रिफ्रैक्टरी पीरियड ठीक है अब सर ये पीरियड का मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि एक बार एक नर्व इंपल्स दी एक स्टिमुलस आया उस स्टिमुलस से नर्व इंपल्स जनरेट हो गया एक बार ना तो जब तक वो नर्व इंपल्स अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक दूसरा नर्व इंपल्स जनरेट नहीं होगा तो उतने समय के लिए स्टिमुलस नर्व को दोबारा से स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि मल्टीपल मल्टीपल जो है वो या मल्टीपल जो है वो नर्व कंडक्शन नर्व इंपल्स बन गई एक नर्व कंडक्शन इंपल्स बनी है जहां बनी है वो अपनी तक पहुंचेगी उसके बाद अगली बनेगी ठीक है? तो, तो इसका मतलब दोनों नर्व के बीच में एक कुछ मिली सेकंड का गैप होगा जिस दौरान स्टिमुलस को नर्व रिसीव नहीं करेगी वो रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाएगा, ठीक है ना फिर एक प्रॉपर्टी और होती है पांचवी प्रॉपर्टी दैट इज द समेशन का मतलब है कभी कभी ऐसा होता है कि नर्व इंपल्स का जो स्टिमुलस है वो वीक होता है उतनी स्ट्रेंथ का नहीं होता है लेकिन नर्व जो है वो वो उसको बार 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 वीक स्टिमुलस को रिसीव कर रही है तो क्या करती नर्व नर्व उन वीक स्टिमुलस को ऐड करके ऐड और ऐसा हर, जो है वो यूनिक कंडीशन में होता है हर बार ऐसा नहीं होता है परंतु जो है वो प्रॉपर्टी होती नर्व की यदि एक सब ऑप्टीमल सब ऑप्टीमल स्टिमुलस मिल रहा है और एक बार मिला दो बार मिला तीन बार मिला और लगातार मिल रहा है अब वो स्टिमुलस इतना स्ट्रॉग नहीं है कि वो एक बार में नर्व कंडक्शन को

न्यूरॉन्स आर दी एक्साइटेबल सेल्स देखो बेटा आगे बात एक्साइटेबिलिटी की बिकॉज देर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज मैं बोलता हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ आगे बात करेंगे प्रेजेंट होना पोलराइज आता है ठीक है ध्रुवीकरण के समझ रहे आपके देखो सिंपल अब आप एक बड़ा सामाजिक वर्ड सुनिएगा आपकी सामाजिक चीज आपने सुनते पढ़ते रहते होंगे अखबार में कि लोगों में पोलराइजेशन बढ़ रहा है क्या मतलब हुआ इसका मतलब मैं कहता हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है तुम कहते हो तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है तीसरा कहता उसका धर्म श्रेष्ठ है और हम तीनों में से किसी ने कभी गॉड को नहीं देखा किसी ने कभी अल्लाह को नहीं देखा किसी ने कभी जो है वो भगवान को नहीं देखा करके लेकिन हम मत लेके बैठे मैं कहता हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है तुम कहते हो तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ है वो किताब आपके और हम तीनों अब आपस में वेमनस रखने लगे आपस में दूसरे को पसंद नहीं करते क्योंकि हमने कहा नहीं मेरा विचार ठीक है तुम कहते तो तुम्हारा विचार ठीक है वो कहता है उसका विचार ठीक है तो हम पोलराइज होकर के यानी ये कहता है ध्रुवीकरण हमने अलग अलग अपने ओपिनियन बना के रख लिए ये पोलराइजेशन हटके लेकिन यदि हम सब मिलकर रहे होते हम बोलते नहीं हम तो भारत हैं हम तो इंडिया हैं हम भारतीय हैं हमको नहीं मतलब कि तुम्हारा धर्म क्या है वो तुम्हारा निजी मैटर है हमारा धर्म क्या है वो हमारा निजी मैटर है हमको इतना पता है कि तुम हमारे काम के हम तुम्हारे काम के हमको इतना पता है कि हम सब मिलकर जो इस देश को जो है वो जापान से आगे लेके जाएंगे इस देश को हम अमेरिका से भी आगे लेके जाएंगे इस देश को हम जो है दुनिया में चमकता सितारा बना देंगे इस देश को हम जो है वहां लेकर जाएंगे जहां तक कोई कल्पना नहीं करता है एक दिन लोग दुनिया भर के लोग बोलेंगे काश इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए एक बार इंडिया देखने का मौका मिल जाए ऐसा लोग सोचे जैसे लोग अमेरिका भागते हैं भी कि अमेरिका मा, मालूम है आपको अमेरिका के वीजा के बाहर जब मैं बहुत सालों पहले मैं अमेरिका यूएसए गया था तो मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया वीजा के लिए ऐसा होता है जैसे कि वो आपका आपको नौकरी देने वाले हैं आपको बहुत कुछ देने वाले हैं लंबी लाइन लगेगी कागज बहुत सारे मांगेंगे फीस भी खूब बड़ी मांगेंगे फिर आपके हाथ को स्कैन करेंगे कॉर्निया आपका स्कैन सब कुछ आपका जो है वो स्कैन करेंगे के आंख आईरिस स्कैन होगा सब होगा आपका आंख का स्कैनिंग होगा हाथ आ, के पांचों उंगली का अंगूठे सब का सबका स्कैनिंग होगा अटके उसके बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू कैसा लंबी लाइन लगी हुई है एक के बाद एक आदमी आएगा वाई यू वॉन्ट टू गो डू यूज एम ए टूरिस्ट वापस कर दे पासपोर्ट देर आर मेनी कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड यू कैन रोम अराउंड घूमे आगे वहां पे भगा दिया मेरे आगे मेरे आगे वाले की बात बता रहा उनके उसके बाद एक न्यूली मैरिड कपल था वाई यू वॉन्ट टू गो टू यूएसए सर वी वॉन्ट टू गो टू यूएसए फॉर हनीमून ओ नो यूएसए नॉट दैट दैट मच ब्यूटीफुल गो समवेयर मॉलिप मॉरिशस लुटा दिया मेरा नंबर आया मुझसे पूछे यू डॉक्टर यस You want to settle down in USA? टल लाउन इन to वाई यू टू गो टू small training there and I am working with the government of India। उस समय मैं काम करता था नाबार्ड में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज है ओके okay. पासपोर्ट रख लिया मेरा उन्होंने सबके लुटा दिए रख लिया मतलब आपको वीजा देंगे वो वीजा दिया उन्होंने उसके बाद बाहर निकले अरे यार इतना पच्चीस हजार रुपये भी डूब गया बीस हजार रुपये भी, भी डूब गया वीजा भी नहीं मिला ऐसा हल्ला और वो ऐसा हल्ला जो है वो केवल हमारे इंडिया के लिए आप जो तो है उतना हल्ला दे रहे हो बस नेवरिंग कंट्री छोड़ दो तो बाकी उनको वीजा मिलने में दिक्कत है बाकी सबको वीजा आराम से देते हैं हम लोग के तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि असल में हमको इतना इतना कंट्री Dev डेवलप तो मैं आपको बता था बात पोलराइज तो जब तक बेटा हम हम पोलराइज करते होते रहेंगे ना आपस में तब तक हमको जो है वो लोग चाहते कि आप पोलराइज हो ताकि तो आगे ना बढ़ो आप ठीक है हमको सबको मिलकर रहना था कि हम आगे बढ़े ठीक है अब बात सामाजिक मुद्दे से वापस से नर्वस सिस्टम में आती है मैं बहुत कहानियां सुनाऊंगा आपको नर्वस सिस्टम में ये मैं सोचना कि, कि, जो है वो केवल वर्ड टू वर्ड पढ़ के छोड़ छोड़ू यहां पर कहानियों का सिग्निफिकेंस है अब मैंने आपसे कहा कि वो

इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस है और उसको वही चीज जो है वो उसको हम बोल रहे हैं कि ये पोलराइज स्टेट में है और एक्साइटेबिलिटी एक्साइटिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है ठीक है फिर क्या कारण है डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल सिस्टम की न्यूरल मेम्ब्रेन पर जो है वो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर अलग अलग तरह के आयन चैनल पाए जाते हैं दिस आयन चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमल टू डिफरेंट आयन और ये आयन चैनल जो है वो अलग अलग आयन के लिए अलग अलग तरह की शो करते हैं फॉर एक्साम्पल दे डोंट अलाउ सोडियम आयन टू कम इन साइड जो आयन चैनल है वो कहते हैं सोडियम तुम अंदर मत आना हम तुमको अंदर अलाउ नहीं कर रहे पोटेशियम बोलते हैं आइए आपका स्वागत है पोटेशियम को अंदर अलाउ कर रहे हैं सोडियम को अलाउ नहीं कर रहे सोडियम कहता है मैं भी प्लस चार्ज एक पोटेशियम कहता है मैं भी प्लस चार्ज एक पर पोटेशियम कहता है मेरा स्वागत है ना स्वागत नहीं करोगे हमारा जैसे अंदर पूछता है पोटेशियम अंदर जाके बोलता पूछता है उसे स्वागत नहीं करोगे हमारा ठीक है तो पोटेशियम आयन जो है वो अंदर सोडियम आयन बाहर रह जाता है तो अंदर आ रहा है, और अंदर कई सारे जो है वो नेगेटिव होते हैं तो मतलब यह नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल में देखोग्रेन तो पर न्यूरोन के मेम्रेन पर बाहर तरफ जो है वो प्लस आयन होते हैं सोडियम के कारण अंदर प्रोटीन है नेगेटिव आयन है बाइक्रोम उसके कारण नेगेटिव आयन अंदर होते हैं तो मेम्ब्रेन हमेशा कैसी होती है वो हमेशा ने 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 में बाहर प्लस होगा और अंदर अंदर तरफ वो है माइनस चार्ज देखने मिलेगा आपको ठीक है और हम बोलते हैं कि माइनस सेवन माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट का एक करंट रहेगा प्रेजेंट एक हमेशा जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिफरेंस प्रेजेंट रहेगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं। अब इसको नापा कैसे हमने देखो देखो हम देख रहे हैं वोल्ट मीटर लगा के यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉड माइक्रो इलेक्ट्रॉड का यूज कर रहे हैं हमने क्या देखा कि जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन पर माइनस मिलीवोल्ट का इलेक्ट्रिकल डिफरेंस देखने मिल रहा है और ये ये इतना स्ट्रांग डिफरेंस है कि इससे हम इलेक्ट्रिकल करंट को पैदा कर सकते चाहे तो ठीक है मतलब बाहर जो बाहर प्लस आयन बाहर प्लस आयन जो है वो इकट्ठा हो गया है और अंदर प्रोटीन और दूसरे मोलिक्यूल करंट जो है इकट्ठे हो गए इसमें ठीक है क्लियर तो ये जो है वो ये क्या है ये हमारे मेम्ब्रेन के आर पार अक्रॉस जो हमको एक प्रकार का एक्शन रेस्टिंग में ये क्या है ये रेस्टिंग पोटेंशियल ये क्या है ये रेस्टिंग ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है के ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये अभी तक बना हुआ है ऐसा और ये जो होता है इस समय हम क्या बोलते हैं इस समय हम मेमब्रेन को बोलते हैं

इज़ नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स जब न्यूरॉन कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता है एंड नियरली इम पर सोडियम आयन सोडियम इज नॉट अलाउड पोटेशियम इज अलाउड ठीक है, मतलब है sodium sodium allowed, allowed, ये नॉर्मली क्योंकि ऐसा क्यों होता है इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल चैनल के कारण होता है ठीक है क्लियर ऐसा आयन चैनल सोडियम आयन के चैनल अलग होते हैं पोटेशियम आयन के चैनल अलग होते हैं तो पोटेशियम आयन के चैनल ओपन रहते हैं पूरे समय सोडियम आयन के चैनल क्लोज रहते हैं कि जब तक कि जो है वो उनको इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा एक्शन पोटेंशियल नहीं मिलेगा ना तब तक सोडियम आयन के चैनल ओपन नहीं होंगे ठीक है सिंस मेम्ब्रेन इज इम्प्रेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म और जो एक्सोप्लाज्म प्लाज एक्सोन के अंदर का

पोटेशियम आयन है अंदर तरफ क्या है बेटा लो सोडियम आयन है और हाई जो है वो पोटेशियम आयन है मतलब ये हुआ कि नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन ये होगी कि ड्यू टू तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सांद्रण प्रवणता के कारण ध्यान से बात सुन के यानी क्या हो रहा है कि मैंने कहा इनसाइड ये इनसाइड है इनसाइड न्यूरॉन इनसाइड न्यूरॉन के इनसाइड और आउटसाइड ठीक है आउटसाइड न्यूरॉन के न्यूरॉन के अंदर और बाहर आप देखें तो क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि अंदर तरफ जो है अनुसार तो मतलब जो आ, सोडियम आयन है वो अंदर आने की कोशिश करेगा वो अंदर आने की कोशिश करेगा इट ट्राई टू कम इन साइड के और पोटेशियम आयन बाहर जाने की कोशिश करेगा ठीक है ये भी बाहर अब यदि ऐसा होता रहा तो इक्विलिब्रियम बन जाएगी तो इस पूरी प्रोसेस को रोकने के लिए इस पूरी प्रोसेस को रोकने के लिए यहां पर एक पंप काम करता है यहां पर एक पंप काम करता है ठीक है इस पंप को बोलते हैं हम सोडियम पोटेशियम पंप इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सोडियम पोटेशियम पंप ठीक है और ये पंप क्या करता है ये सोडियम आयन को अंदर से बाहर भेजता है और पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर लेके आता है और डिफरेंस को बनाए रखता है इसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं और ये एटीपी खर्च करता है इट कंज्यूम्स एटीपी एनर्जी खर्च करता है के? और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा सोडियम पोटेशियम पंप और ये मैं आपको ऑलरेडी कहां पढ़ाया हुआ जब मैंने साइटोलॉजी पढ़ाया था आपको ठीक

कितना गया वन प्लस बढ़ रहा है हर बार, हर बार, बार जब भी काम कर रहा है, और आपको आप भी एनर्जी खर्च करते हैं है, सोडियम पोटेशियम पंप को ऑपरेट करने में वट एवर यू कंज्यूम्स फिफ्टी परसेंट ऑफ यूर फूड वर्न इंटू आपकी पचास फूड की एनर्जी सोडियम पोटेशियम पंप में खर्च होती है जानकर आश्चर्य हुआ और ये सबसे इंपॉर्टेंट पंप है थाके? सबसे इंपॉर्टेंट पंप है तो हम क्या देख है इस, इस है रहे तो हैं कि हमेशा बाहर प्लस और अंदर माइनस क्यों क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप वहां पर उसको मेंटेन करने में रोल प्ले कर रहा होता है ठीक है तो चलिए क्या लिखा है आप देखते हैं दिस अक्रॉस द रेस्टिंग देंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट आयन बाई दोडियम पोटेशियम पंप मैंने मतलब जो रेस्टिंग में सोडियम पोटेशियम पंप बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तीन सोडियम को बाहर भेजेगा दो पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा हमेशा बाहर एक प्लस ज्यादा होगा अंदर एक प्लस कम होगा तो नेगेटिव चार्ज कंपेरेटिवलीगेटिव चार्ज अंदर होगा अंदर बाहर पॉजिटिव चार्ज होगा ठीक है एज रिजल्ट आउटर सर्फेस ऑफ एक्सो मेम्रेन पॉजिटिव चार्ज वाइल द इनर सर्फेस बिकम दिवी चार्ज एंड देर फोर इस पोलराइज के इसीलिए पोलराइजन हमको देखने मिलता है तो पहले बेटा आगे बढ़ने बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा, से अच्छा है कि पहले सबसे पहले हम यह समझ लें पहले सबसे पहले हम यह समझ लें कि मेमब्रेन में प्लस और माइनस क्यों है बाहर प्लस क्यों है अंदर माइनस क्यों है ये जब तक पोलराइज़ेशन नॉर्मल पोलराइज़ेशन समझ में नहीं आएगा ना तब तक आगे चीजें समझना मुश्किल हो जाएगा तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि जो है एक तो नंबर एक कुछ कारण है पहला कारण सोडियम आयन के लिए न्यूरल मेम्ब्रेन कम पड़े वाले पोटेशियम आयन के लिए अधिक पड़ने वाले ठीक है दूसरा कारण यह है कि सोडियम जो है वो बाहर से अंदर आता है तो अंदर से सोडियम को बाहर निकालते हैं निकाल सोडियम बाहर निकालते हैं और बाहर से दो पोटेशियम अंदर लेके आते हैं तो हर बार एक सोडियम बाहर बाहर अधिक निकल रहा है तो बाहर प्लस चार्ज आता है और अंदर नेगेटिव चार्ज आता है है ठीक क्लियर देखिए आप ध्यान से हम ये देख रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप को और ये पंप जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को शो करता है अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं एनर्जी कंज्यूम करता है और इसमें एटीपी खर्च होता है प्रोसेस में ठीक है क्लियर तो यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को बनाए रखता है ठीक है बेटा क्लियर है ना देखिए अपना एनर्जी खर्च किया इसने दो पोटेशियम अंदर आए तीन सोडियम बाहर गए ठीक है ना तो हम देख रहे हैं कि जो जो ग्रेडियंट है जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने में सोडियम पोटेशियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है तो आप कुल मिलाकर बात है कि हमें एक बात समझ में आ गई है कि माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट का जो इलेक्ट्रो जो आ, रेस्टिंग पोटेंशियल है जो रेस्टिंग जो क्या है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कैसे बनता है और इसी चीज को क्या बोलते हैं आप

आपसे पूछ रहा हूं बेटा तुमको समझ में ये बात कि कैसे क्या होता है रेस्टिंग मेमरी पोटेंशियल कैसे बनता है आया बेटा समझ में पक्का आगे बढ़ू चलिए फिर देखिए आप मैंने क्या कहा था आपसे कि वाई दिस डिफरेंस क्रिएटेड मैंने आपसे कहा देखो भैया ऐसा है कि सोडियम आयन को एंट्री नहीं उसका स्वागत कोई नहीं कर रहा ना गेट क्लोज है गेट क्लोज है अब आप बोलोगे सर जब एक्शन पोटेंशियल मेम्रेन रिसीव करती है जब न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलता है

उद्दीपन देंगे तो सडनली क्या होगा कि जो सोडियम आयन का जो गेट गेट सोडियम आयन अंदर बाहर निकल सकता है वो था गेट के। और जैसी स्टिमुलस मिला वो गेट ओपन हो गया और बाहर इतनी बड़ी संख्या में सोडियम आयन था गेट ओपन हुआ अंदर आ गया बंबार्टमेंट हो गया प्लस चार्ज तेजी से अंदर आ गया समझ सकते हैं इमेजिन कीजिए है ना देखो जैसे नॉर्मल ये क्या है बेटा ये नॉर्मल पोलराइज स्टेज की बात कर रहे हैं के, जैसे ही जो है वो एक्साइटेड स्टिमुलस मिला जैसे ही, जैसे ही मैंने आपसे कहा जैसे मैंने कहा आपसे कि स्टिमुलस मिला इसको, इसको स्टिमुलस प्राप्त हुआ इसको स्टिमुलस मिला इसको तो क्या हुआ तो आपने देखा कि एक्टिवेशन हुआ इसका ठीक सोडियम आयन चैनल का गेट खुल गया एक्टिवेटेड हो गया ठीक है झट से सोडियम आयन अंदर आया और जैसे ही सेल को लगा के अरे अंदर आया ये सोडियम आयन उसके बाद इम्पल्स को आगे बढ़ा दिया गया और गेट फिर से क्लोज हो गया पूरे समय खुला नहीं जब तक वो एक्शन पोटेंशियल आया एक निश्चित स्ट्रेंथ का आया तो उसने सरफेस को एक्साइट एक्साइटेड एक बार प्लस अंदर आया कि किन हो गई एक्साइटेड न्यूरॉन हो गया एक्साइटेड एक्साइटेबिलिटी का काम शुरू हो गया अब कंडक्शन पे हम आ, अब की बात करेंगे आगे हम के तो हमने क्या कहा हुआ इसके बाद वापस से इसको इनएक्टिव कर दिया गया मतलब बाहर से आने वाले स्टिमुलस ने केवल इतना भर काम किया कुछ साइक्रिंड के लिए कुछ माइक्रो मिली सेकंड के लिए उसने सोडियम आयन चैनल को उसने ओपन कर दिया अंदर प्लस चार्ज आ गया है अब उसके बाद उसको क्लोज कर दिया अब अंदर आए प्लस चार्ज ने पूरा का पूरा काम गड़बड़ कर दिया अंदर जैसे प्रचार जाए उसने पूरा का पूरा एक जो है वो कोलाहल मचा दिया उसने उसने हड़कंप मचा दिया अंदर क्या हड़कंप मचाई उसने चलो हम देखते आगे ठीक है देखो वोल्टेज गटेड सोडियम चैनल कंडीशन में ओपन होने, होने, तो होने पर जो है वो क्या हुआ कि एक्टिवेट होकर ओपन हुआ यह और तेईस से रेपिड ओपनिंग हुआ इसका और तेईस से सोडियम अंदर आया जैसे ही जो है अंदर प्लस चार्ज एक लेवल के ऊपर बढ़ा तो ये फिर से ये गेट फिर से क्लोज हो गया एके. आप देखिए क्लोजिंग के लिए देखो सिंपल सी बात के पहले पहले आप देखिए पहले जो एक्टिवेशन जो पहले एक्टिवेशन गेट था गोर से देखिएगा वोल्टेज ग्रेटेड सोडियम चैनल है ना ये आपको एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ते हैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपको ये पढ़ना पड़ता है थाकी? है ना तो अभी मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देखिए गेट, गेट से, से खुल जाता है लेकिन उसके बाद जैसी अंदर प्लस चार्ज बढ़ने लगता है तो गेट को क्लोज करता है बाजू वाला दरवाजा जो इनएक्टिवेशन गेट था उसको क्लोज करता है लेकिन वो स्लोली क्लोज करता तब तक अंदर काफी सारे प्लस आयन आ चुके होते हैं मतलब इतना फर्क पड़ता है कि जो आपका माइनस -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशियल था ना वो प्लस +30 मिलीवोल्ट हो जाता है वो प्लस +30 मिलीवोल्ट तक ठीक है 100 का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ ये ठीक है एंड +30 मिलीवोल्ट वो हो, हो जाता है क्योंकि जो है वो ये और ये सब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर होता है ठीक है देखिए एनसीईआरटी का इमेज है ठीक है हम क्या देख रहे हैं हमने कहा ये साइट ए है ये

पहले क्या था बेटा पहले यहां, यहां पर कहा यहां पर प्लस आया यहां पर प्लस आया ठीक है ये प्लस इससे क्रिया किया ये प्लस हो गया ये प्लस हो गया ये वाला पहले वाला जो है ये माइनस हो गया ठीक है और ये वाला प्लस हो गया ये वाला दूसरा वाला प्लस हो गया ऐसे आगे बढ़ता रहेगा ये ठीक है देखिए आप है ना अब समझने की कोशिश करना बेटा ठीक है बिल्कुल एकदम अटेंटिव रहिए मुझे मालूम है लेक्चर लंबा है आपको पर आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा क्योंकि तो मेरे बच्चे हैं मेरे कमांडो हैं हट के और मुझे पूरा और मैं आपसे बेटा बहुत प्रेम करता हूं मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं और मेहनत करेंगे जरूर सेलेक्ट हो के आप जब सेलेक्ट होकर फ़ोन करेंगे मिलेंगे मुझसे मुझे मैं सच में ऐसा लगेगा मुझे कि मैं जो है वो दोबारा से मैं सिलेक्ट हो गया उठ प्लीज़ इनको जो है वो आप व्यवसायिक मानसिकता वाली बातें मत समझिएगा जो मैं कह रहा हूँ आपसे हृदय से कह रहा हूँ हार्ट से कह रहा हूँ अपने बाई हार्ट कह रहा हूँ आपसे हट के मुझे इतना पता है बेटा कि जो है आ, अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है सोसाइटी में सोसाइटी रियली नीड्स गुड पीपल एंड यू आर वन ऑफ देम आप बहुत अच्छे हैं आप हृदय से अच्छे हैं मन से अच्छे हैं बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं आप और ऐसे ही बने रहिएगा दुनिया चाहे कैसी भी बदलिएगा मत, ऐसे ही बने रहिएगा मेहनत कीजिए चलिए अब क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि नॉर्मल कंडीशन में आपने क्या देखा कि अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज है बाहर बाहर क्या है बाहर जो है जो वो प्लस चार्ज देखिए आप दूसरे इमेज दूसरी इमेज को देखिए स्टिमुलस स्टिमुलस अप्लाइड को अप्लाई किया आपने जैसे स्टिमुलस को अप्लाई किया वो पर्टिकुलर हिस्सा जहां पर स्टिमुलस आया वो डीपोलराइज हो गया वो डीपोलराइज हो गया प्लस आयन अंदर आ गए माइनस लग के अब क्या हुआ बेटा गोड़ी के

वो माइनस हो गया ठीक है ऐसे चलता रहेगा आगे करंट ठीक है देखिए ना व्हेन स्टीमलस इज अप्लाइड टू ए साइट साइट ए ए साइट ऑन मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन एट द साइट ए फ्रीली प्रवल टू दी सोडियम के जैसे आप एक स्टिमुलस को जो है वो एक साइड पर अप्लाई करते हैं मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन पोलराइज पोलराइज पे नॉर्मल पोलराइज मेम्ब्रेन पर आप एक पॉइंट पर स्टिमुलस को अप्लाई करते हैं तो वहां पर देखते हैं देख रहे हैं आपकी सोडियम आयन की जो है वो बढ़ जाती है, जाती है और तेजी से सोडियम आयन अंदर की ओर आ जाता है ठीक है देखिए क्या हुआ बेटा माइनस सेवेंटी मिली बोर्ड की कंडीशन ये ग्राफ याद रखिएगा कई बार एग्जाम में आता है माइनस सेवनटी मिली बोर्ड की कंडीशन नॉर्मली बनी हुई थी और एक लेवल पे क्या किया गया कि यहां पर इस पॉइंट इस पर स्टिमुलस दिया गया

पिछला हिस्सा जहां पर पर एक पर स्टिमुलस रिसीव हुआ था वो वहां से करंट आगे बढ़ जाएगा पीछे वाला हिस्सा फिर से नॉर्मल हो जाएगा वापस से वो रिपोलराइज होने लगेगा लेकिन जब तक ये करंट आगे फ्लो करता रहेगा तब तक दूसरी इंपल्स को न्यूरॉन रिसीव नहीं करेगा इसे रिफ्लेक्टिव पीरियड कहते हैं हम ठीक है जब तक कि वापस से रेस्टिंग स्टेट ना बन जाए देखिए आप ठीक है इमेजेस को बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा है ना स्क्रीन लेके इमेजेस को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि मेरा पूरा प्रयास ये है कि नर्वस ना आपको समझ में आए आपको अच्छे से समझ में आपको आए और जो अभी पड़ रहा है ना आपको पूरी लाइफ आपको याद रहना चाहिए ठीक है बेटा देखा आपने नॉर्मल कंडीशन स्टिमुलस को अप्लाई किया हमने ठीक है फिर करंट कैसे आगे बढ़ा देखिए आप एरो के अकॉर्डिंग जहां जहां पहुंच रहा वहां प्लस हो रहा पीछे वाला वापस से रीपे नॉर्मल हो रहा पीछे वाला हिस्सा ठीक है देखिए देख रहे हैं आप आपको देखिए मैसेज अराइव किया पे देखो से प्लस आयन अंदर के देखिए अंदर प्लस आया और करंट आगे बढ़ा देखो ये क्या शो कर रहा है ये शो कर रहा है देखो प्लस चार्ज पे ध्यान दीजिए चार्ज पे और आयन पे ध्यान दीजिएगा कि एनिमेशन में ठीक है चार्ज पर और आयन पे पर यहां से ने? यहां से करंट शुरू हो है यहां से इंफॉर्मेशन यहां तक बढ़ रही है कैसे बढ़ रही देखिए ध्यान से देखो है ना प्लस अंदर आया आगे है ना पीछे का नॉर्मल होता है ना आगे है ना, है ना? जब तक के वो के तक वो वो नर्व के एंड जाए, लगातार करंट फ्लो करता रहेगा, ठीक दिस रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ पोलिटी जैसे सोडियम आयन अंदर आएगा तो पोलिटी का रिवर्सल होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रिवर्सलिटी पोलिटी के रिवर्स होने का मतलब है, अरे अंदर प्लस और बाहर माइनस ठीक है आउटर सर्फेस ऑफ देंट विकम ने चार्ज एंड द इनर विकम पॉजिटिवली चार्ज के दिसरिटी ऑफ दी मेम्ब्रेन एट साइट ए इज दस रिवर्स एंड हैंस डी पोलराइज के जैसे पोलरिटी उल्टा होगा अंदर प्लस बाहर माइनस हुआ आपने बोल दिया मेम्ब्रेन हो गया है डी भाई पोलराइजन का उल्टा क्या हो गया डी हो गया ठीक है चलिए द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस द्लाजा मेम्रेन एट साइट ए

एट साइट इमीजिएटली एट यानी वे स्थान जो ठीक इसके आगे होते हैं एग्जाम्पल से मैंने कहा साइड बी ये साइड ए साइड बी के हैज बीमरे पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सर्फेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सर्फेस के तो एज द एज रिजल्ट द करंट फ्लो फ्रॉम इनर सर्फेस फ्रॉम ए टू बी देखिए ध्यान से इमेज को ध्यान देखिएगा आप एनसीआरटी का ही इमेज है फिगर ट्वेंटी वन वन पॉइंट टू देखिए साइट ए पर साइट ए पर जो है वो एक आपने स्टिमुलस को दिया प्लस अंदर आया बाहर माइनस हो गया तो आपने कहा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया अब अंदर के एरो जो दूसरी इमेज में देखिए आप कि कि साइट बी पर क्या हो रहा है कि जो प्लस है अंदर का प्लस जो है वो आगे बढ़ रहा है और अंदर अंदर प्लस को जनरेट कर रहा है और बाहर वो क्या कर रहा है अंदर जो है वो जो है वो माइनस को क्रिएट कर अंदर जो है प्लस को क्रिएट कर रहा है बेटा और वो बाहर माइनस को क्रिएट कर लगातार एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ठीक है ना मतलब प्लस आयन जो बाहर था वो अब जो है वो अंदर आ रहा है और अंदर का माइनस जो है है वो बाहर ठीक देखिए ध्यान आयोजन करंट का फ्लो कैसे हो रहा है क्लियर यानी ये जो प्लस है ना ये भी आगे जाएगा तो आगे वाले को ये प्लस कर देगा के और बाहर हो जाएगा माइनस के ऐसे करंट फ्लो करता है देखिए ध्यान से बिल्कुल एनिमेशन को बड़े ध्यान देखिए आपके देखिए आया अंदर प्लस प्लस ऐसे आगे बढ़ रहा है के, और जब तक ये नर्व एंडिंग तक चलता रहेगा कि जब तक के वो वापस से मेम्ब्रेन रिपोलराइज ना हो जाए ठीक है बेटा भाई इससे बेहतर और क्या हो सकता है आप देख रहे हैं ना कैसे जो जो है 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 वो वो चार्ज ठीक आप देख रहे हैं ना कि अंदर जैसी जो है वो, वो स्टिमुलस आया तो अंदर प्लस हो गया बाहर माइनस हो गया देखिए है ना शुरू से देखते हैं इसको देखिए ये आया स्टिमुलस अंदर प्लस बार माइनस और आगे बढ़ रहा है ये प्लस वाला उठ के हर हिस्से पे आगे बढ़ रहा है जब तक कि वो एंड, नर्व के एंडिंग तक ना पहुंच जाए के एंड ये वाला हिस्सा क्या है ये वाला हिस्सा जो है वो साइटोन वाला हिस्सा है ये और ये का ये का का टर्मिनल एंड वाला हिस्सा का अंतिम सिरा है ठीक है ना? ठीक ना क्लियर ठीक ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम बी टू ए एंड टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ द करंट फ्लो के आप देख रहे हैं कि अंदर और देखो क्या अब इसका मतलब कहने का मतलब क्या है अरे भाई अंदर अंदर की तरफ क्या हो रहा है अंदर की तरफ जो है प्लस माइनस की ओर जा रहा है और इसको वो इसको वो प्लस में कन्वर्ट कर रहा है और खुद माइनस हो रहा है ठीक है तो बाहर तरफ क्या होगा बाहर इधर प्लस था तो बाहर माइनस था और इधर इधर जो है वो प्लस था ठीक है बाहर क्या होगा बाहर इसका उल्टा होगा ये प्लस इधर जाएगा तो यहां माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा तो ये कंडीशन वापस से रीस्टेब्लिस और आगे वाली कन, आगे इंपल्स आगे बढ़ती जाएगी ठीक है ना देखिए ध्यान से क्या हो रहा है बेटा करंट कैसे फ्लो कर रहा है यानी साइड ऐसे साइड बी पर अन प्लस अंदर तरफ प्लस माइनस के पास गया और माइनस को उसने प्लस बना दिया और खुद वापस से माइनस हो गया हटके और ऊपर क्या हो रहा, हो रहा है ऊपर का ठीक अपोजिट होगा के तो ऐसे करंट लगातार फ्लो करेगा ठीक है देखिए ध्यान से नहीं क्या होगा अंदर तरफ बेटा अंदर तरफ होगा ये कि ये प्लस इसके पास जाएगा इस माइनस के पास इसको प्लस कर देगा और बाहर ये प्लस इसके पास जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा वापस से वापस से कंडीशन रिस्टेब्लिश हो जाएगी है ना ठीक है ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन होगा पूरा इसलिए एक दिशा में करंट फ्लो करेगा ठीक है द सिक्वेंस इज रिपीटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द एग्जॉन इंपल्स इज कंडक्टेड ये पूरा का पूरा क्रम जो है लगातार एग्जॉन की लंबाई में चलता है जब तक कि वो आखिरी सिरे तक ना पहुंच जाए वो. क्लियर द the इन in induced permeability of ऑफ सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट के मैंने कहा ना कि सोडियम आयन जैसे अंदर आता है ना उसके बाद गेट वापस से बंद कर दिया जाते हैं ताकि, ताकि नर्व को आप फिर से रिपोलराइज कर सके आपके तभी करंट आगे बढ़ता है

फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक सेकंड के एक छोटे हिस्से में पोटेशियम आयन डिफ्यूज आउटसाइड टू मेम्ब्रेन एंड री स्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल टू ऑफ द मेम्ब्रेन एट द डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड री स्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ऑफ द एक्साइटेशन एंड द फाइबर बिकम्स वंस मोर रिस्पॉन्सिव टू दी फर्दर स्टीमेशन के जैसे ही जो है एक बार मैंने कहा ना कि नॉर्मल कंडीशन में बाहर प्लस अंदर माइनस था जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो बाहर जो है माइनस हो गया अंदर प्लस हो गया ठीक है ना तो जो है बाहर के माइनस को प्लस करने के लिए अंदर का पोटेशियम भी बाहर निकलेगा सोडियम की तो एंट्री बंद कर दी गई है अंदर का पोटेशियम बाहर निकलेगा और बाहर प्लस कर देगा फिर से और अंदर का नेगेटिव कंपरेटिवली अपने आप से क्रिएट होने लगेगा जब सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा तो ठीक है क्लियर देखिए तो क्या हो रहा है कि लगातार इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और यह करंट आगे की ओर बढ़ गया है और पीछे रिपोलराशन होकर देखिए आप ध्यान से कि यह पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है अच्छा एक काम करते हैं इससे बेहतर एक एनिमेशन देखते हैं हम ठीक है देखिए ध्यान से देखिए ना यह और बढ़िया बता रहा कैसे जो करंट करंट फ्लो करता है कैसे नर्व इंपल्स फ्लो करती है इस एनिमेशन को ध्यान से देखिएगा आपके से देखिए इसमें कैसे जो है का। जहां हुआ देखो आगे फ्लो होता है ठीक है पीछे वापस से कंडीशन नॉर्मल कंडीशन क्या थी अंदर माइनस बार प्लस के उसको क्रिएट करते हुए करंट आगे की ओर बढ़ता रहता है ठीक है ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स की द नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड

न्यूरॉन के एक न्यूरॉन देखो मैंने क्या कहा था ये साइटोन है एग्जॉन है और एग्जॉन के टर्मिनल एंड है ठीक है ना ठीक है फिर साइटोन में क्या होता है होते हैं इसमें ठीक है अगला न्यूरॉन का अगला न्यूरॉन का साइटोन है उसका एक्सॉन है उसके एग्जॉन के एंड के और इसके डेंड्रॉयड एंड के तो ये जो जो एग्जॉन का आखिरी जो एग्जॉन का आखिरी सिरा है और जो डेंड्रॉयड का अगला सिरा है ठीक है

प्री न्यूरॉन न्यूरोन और ये के। और इनके बीच में जब दोनों आप दोनों आपस में जो है पर इलेक्ट्रिकल इम्पस को एक्सचेंज करते, करते हैं तो वहां पर आपको synaptive, synaptive देखने मिल सकता है और नहीं भी देखने मिल सकता मे और मे नॉट प्रेजेंट के देखिए ध्यान से क्या देख रहे हैं आप ये एग्जॉन का टर्मिनल एंड एग्जॉन का टर्मिनल एंड के ये क्या है ये प्रीप्टिक न्यूरॉन है ये और उसका टर्मिनल एंड के और नीचे वाला क्या है ये सिनेप्टिक न्यूरॉन है जो, जो संधि तो बनाया उसने पोस्ट स्ने जो डेंड्राइट का अगला हिस्सा है और वहां पे जो है वो या तो सीधा इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट दे देगा दे वो या न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू केमिकल्स को देगा जिससे एक्शन पोटेंशियल रीजनरेट हो सके ठीक है ना देखिए मतलब दो कंडीशन हो गई देर आर टू टाइप ऑफ स्नेप्स दो प्रकार के स्नेप्स होते हैं एक होते हैं इलेक्ट्रिकल स्नेप्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में आपको देखने नहीं मिलेंगे आपको के के रेयर एक इलेक्ट्रिकल स्नेप्स होते हैं दूसरे होते हैं केमिकल होते हैं क्लियर ठीक है एट इलेक्ट्रिकल स्नेप्स ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी अप्रॉक्सिमिटी इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू दीदर न्यूरोन के मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट सीधा आगे बढ़ जाता है के इसमें इलेक्ट्रिक बार बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करना एक बार जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ना वही करंट आगे की ओर फ्लो कर जाता है ऐसा इलेक्ट्रिकल स्नेप्स में होता है देखिए इमेजिन

अगला हिस्सा होता उसमें वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं देखिए इससे क्या होता है फायदा अब आप बोलोगे कि विच इज मोर मोर गुड तो मैं कहता हूं ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें हर बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से क्या होता है करंट का लॉस नहीं होता है इसमें के। और जो लंबा कंडीशन होता है उसमें करंट का लॉस भी होता है उसमें ठीक है क्लियर

ए प्री एंड पोस्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय ए फ्रूड फील्ड स्पेस कॉल दिक क्लेफ्ट यहां देखने मिलता है केमिकल जो यहां जो एक प्री स्नेप्टिव न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच में जो इम्पल को कंडक्ट कर रहे हैं जो मैसेज को पहुंचा रहे हैं उन केमिकल्स को हम न्यूरो कहते हैं ये क्या होते हैं जैसे एसिटाइल कोलाइन ठीक है इसका क्या है सबसे अच्छा है एसिटाइल कोलाइन ठीक है ये ट्रांसमिशन ऑफ इंपल में होते हैं। टर्मिनल कंटेंट वेसाइकल जिन्हें हम जो है वो स्नेप्टिक वेसाइकल कहते हैं उनमें न्यूरो भरे होते हैं वो रिलीज करता है और अगले न्यूरोन को एक्साइट करता है देखिए ध्यान से आप देख रहे हैं जो एक्सॉन का टर्मिनल है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसमें कई सारी थैलिया हैं जिन्हें स्नेप्टिक वेसाइकिल कहा हमने सिनेप्टिक वेसाइकिल के अंदर जो है न्यूरो भरे हुए हैं जैसे इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिसीव करता है वो न्यूरो को रिलीज करता है थैलिया जो है वो थे इन थैलियों को वस्ट करता है मेमरन में आके न्यूरो बाहर रिलीज होता है और ये न्यूरो अगले न्यूरोन को डेंड्राइटिक स्पाइन है डेंड्राइट के सिरे जो पोस्ट पोस्टिक न्यूरोन है उसको इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करता है और इन्फॉर्मेशन आगे की ओर बढ़ जाती है ठीक है

आपने इंपल्स को दिया आपने कहा कि कुछ समय के सेकंड लिए सांस को रोकना है मुझे आपने मूवमेंट को स्टॉप कर, कर दिया तो इंफॉर्मेशन तो क्या है इनिमेटरी तो जो, जो बोथ टाइप का ये हो सकता है ठीक है क्लियर आप देखिए आप इलेक्ट्रिकल स्नैप्स और केमिकल स्नैप्स के बीच में आप डिफरेंस को देख रहे हैं ठीक है इलेक्ट्रिकल स्टफ सीधा इन्फॉर्मेशन आगे भेजता है और केमिकल स्टफ जो है न्यूरो की हेल्प से को आगे भेजता है ठीक है ठीक है चलिए अब आपके लिए एक होमवर्क है ये मुझे बताइएगा मैं लेवलिंग कर रहा हूं एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है आपको लेवल दे डायग्राम डायग्राम को लेवल कीजिए वन से लेके सेवन तक आपको लेवल करना है क्लियर ठीक है चलिए तो आज क्या देखा हमने आज हमने देखा कि नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है एक्रेस्टिंग मेमरिन पोटेंशियल क्या होता है एक्शन पोटेंशियल क्या होता है इंपल्स कैसे फ्लो करती है कठिन था आसान था देखा आज हमने ठीक तो है ना चलिए तो बेटा पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए ऑल द बेस्ट Hi. To become an official commando of Biomentors. Join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers. An online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download by a mentors online app from Google Play Store.